मुझे अभी यहाँ दिल्ली दंगों में जिन जिनके साथ वो सब कुछ हुआ, उन लोगों ने अपनी बात रखी, मुझे समझ में नहीं आ रहा उन सबकी बातें सुन के कि मैं अभी क्या बोलूं, क्योंकि यहाँ वो सब लोग हैं जिनके परिवार में से किसी को मार दिया गया, किसी को घायल कर दिया गया और किसी को अपाहिज कर दिया गया, मतलब उनके आगे उनकी लाइफ दिख नहीं रही उन लोगों को। वो बच्चा वहां बैठा हुआ कह रहा है कि इससे ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि ऊपर वाला हमें मौत दे दे। पर इन सब चीजों का जिम्मेदार जिन लोगों को ठहराया गया है वो भी एक अलग ही अपने ऊपर एक जुल्म सह रहे हैं। 2 साल से वो बेगुनाह होते हुए उन लोगों के ऊपर मारने का इल्जाम लगाया गया है उनको। वो खुद एक खालिद जैसे शख्स को दिल्ली दंगों का आरोपी बना के उनके ऊपर यूएपीए लगा के जो उनको जेल में डाला हुआ है, ये अपने आप में ही एक, मुझे लगता है कि उन पुलिस वालों के ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है। 26 तारीख को भी जब खालिद को अरेस्ट करा था तो उनको उनके साथ जिस तरीके का टॉर्चर किया गया वो आप सबके सामने है, आप सबको पता है वो चीजें कि खालिद को किस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया। बल्कि उनके उनको इसलिए टॉर्चर किया गया था कि वो चाहते थे वो पुलिस के वो प्रोटेस्ट हटा लें। खालिद को दंगों का आरोपी बनाया बाद में है, पहले उनको किसी और केस में अरेस्ट करा है। यहाँ पर एक चीज ये भी है कि खालिद जिस तरीके से खालिद और इशरत आपा को अरेस्ट करा गया FIR 59 में जिसका जिक्र अभी बुनो ने करा था, उस केस को लगाने के लिए भी उन्होंने शायद एक टाइम लिया। उन्होंने पहले जो अरेस्टेड पहले जिस केस में दूसरे केस में अरेस्टेड थे वो लोग बाद में ये केस लगाया जब उनको बेल होने वाली थी। फर्स्ट केस था FIR 44 जगतपुरी केस जिसमें उन लोगों को अरेस्ट करा गया था। उसके बाद उन लोगों ने कुछ प्लानिंग करी, कुछ सोचा, फिर उनके ऊपर 59 लगाया गया, उनको बाद में आरोपी बनाया गया उस चीज के लिए जो कि उन्होंने करा भी नहीं। उनको बताया गया कि वो लोग दंगा करवाने वाले थे, उन्होंने कुछ फंडिंग्स करी, कुछ कहीं से आए कहीं गए, एक अलग स्टोरी बनाई उन लोगों ने। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी या खुद से कहानी बना के वहां पे पात्र लगा रही थी, वो रख रही थी कि हाँ ये वहां गया था, उसने वहां से फंडिंग करा, उसने ये करा, उसने वो करा। पर सारी की सारी फिजूल कहानियां, सारे के सारे झूठे आरोप जिस, और इसमें एक इन लोगों को यूएपीए लगाया गया जो कि एक टेरर एक्ट है, उनको एक आतंकवादी की तरह दिखाया गया। सबसे ज्यादा इसके अंदर मीडिया का हाथ था, जो भी ये आज तक ये जो न्यूज चैनल्स हैं जितने भी, उन लोगों ने उन लोगों को बहुत बुरे तरीके से खालिद को प्रेजेंट करा था। उसका असर मेरे बच्चों पे, मुझ पे खुद पे, जो हम 2 साल से झेल रहे हैं, हमें कहीं आने जाने में भी डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्या हो गया, मतलब जो इंसान दंगे रुकवाने में लगे हुए थे, जो अलहिंद हॉस्पिटल मदद भिजवा रहे थे, वहां से कॉन्टेक्ट कर रहे थे कि क्या हो रहा है, वहां से कॉल्स आ रही थी, मैं रात भर वो कॉल सुन रही थी कि यहाँ इतने सारे लोग हैं जिनके गोली लगी हुई है, खालिद भाई किसी तरीके से हेल्प कर दीजिए, डॉक्टर्स भेज दीजिए, पट्टियां भेज दीजिए, दवाई भेज दीजिए, एम्बुलेंस नहीं जाने दी जा रही थी वहां पे। इतना सब कुछ होते हुए भी वो इंसान पूरी रात लगा रहा वहां। और अगले दिन सुबह 25 तारीख की रात की बात है, 25 तारीख के दिन का भी आप लोगों को एक वीडियो पता है कि वो केजरीवाल के घर गए थे, वहां जाके भी उन्होंने प्रोटेस्ट करी, केजरीवाल से बात करने की कोशिश करी, जबकि जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए था, केजरीवाल को करना चाहिए था, मनीष सिसोदिया को करना चाहिए था, और जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता अपने आप को नेता समझते हैं, आम लोगों का नेता समझते हैं, उन लोगों को करना चाहिए था सड़कों पे उतर के, पर वो लोग कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे थे। उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो करना है करो, नहीं करना मरो। दिल्ली का एक हिस्सा बिल्कुल जलने दिया, 3 दिन तक उन लोगों ने वहां झांक के नहीं देखा, वो चाहते खुद से निकल के जाते, अगर उनके हाथ में पुलिस नहीं थी तो वो खुद जाते। उन लोगों को वोट देके उस जगह से जिताया गया था, उन लोगों को सत्ता में लाया गया था, पर केजरीवाल सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारे हाथ
हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, पर वहीं दूसरी तरफ हम लोग वीडियो देख रहे थे कि पुलिस कैमरे तोड़ रही है, पुलिस पत्थरबाजी कर रही है, पुलिस दंगाइयों के साथ मिलके हमले कर रही है, करवा रही है। तो अगर बेगुनाहों को इस तरीके से सजा दी जा रही है, उनको दो दो साल से जेल में रखा हुआ है, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, पर वही उन पुलिस वालों का क्या हुआ? वो कपिल मिश्रा, उसका क्या हुआ? रागिनी तिवारी का वीडियो अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, रागिनी तिवारी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी मारो काटो ये करो वो करो, वो कहाँ है? उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं दिखाई दे रही कोर्ट में? उसके फैमिली वाले क्यों नहीं है? वो जेल के अंदर क्यों नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं हमारे भी, हम लोग भी जवाब चाहते हैं इस सरकार से, केजरीवाल